हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं पूरे वीकली करंट, और वीकली करंट हम देखेंगे 25 अप्रैल से हमारा 30 अप्रैल तक का। तो जो हमने पूरे हफ्ते डेली वाइज कवर किया है, तो आज हम उसका फटाफट से करेंगे रिवीजन। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा रिवीजन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो पंचायती राज दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यहां पर बात आती है सुमन के बैरी को। नेक्स्ट है, हाल ही में नेक्सो किसके सहयोग से विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करेगा? तो यहाँ पर जो बात आती है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड के साथ में अगर देखा जाए, नेक्सो ने टाई अप किया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 25 अप्रैल 2022 को कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में एक वृद्ध योग कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन करेगा? तो यहाँ अगर बात आती है हमारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 48वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा भोपाल। तो भोपाल में अभी अमित शाह जी ने क्या करा है, इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा सांस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो जो सांस अभियान है, अगर वो बात आती है कौन से रोग से संबंधित है, हमारा निमोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसकी शुरुआत हुई है अभी अभी हमारी मुंबई में। नेक्स्ट है अगला, 24 अप्रैल 2022 को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बेंगलोर में अगर देखा जाए, इसका उद्घाटन किसने किया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 नामित किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात आती है, नाम आता है बबीता सिंह का, तो बबीता सिंह को नामित किया गया। चर्चा में रहा इंडिया आउट कैंपेन किस देश से संबंधित है? तो ये जो कैंपेन चलाया जा रहा था भारतीयों के विरोध में, मालदीव में चलाया जा रहा था, और इसका सही आंसर होगा मालदीव। लेकिन मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस कैंपेन को करवा दिया है बंद, क्योंकि हम उनके अच्छे दोस्त हैं, तो इसीलिए भारत नाराज ना हो जाए, तो इसीलिए मालदीव में ये कैंपेन क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो मलेरिया दिवस जो हमारा मनाया जाता है, वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को, और जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाला एक रोग है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एमैनुअल मैक्रो किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो दूसरी बार अभी ये बने हैं फ्रांस के। नेक्स्ट अगला हमारा, 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉयल सी ना डायलॉग के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? तो अगर बात आती है यहाँ पर कौन सा संस्करण होगा, तो यहाँ हमें देखने को मिलता है 7वां संस्करण, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। नेक्स्ट हमारा, 25 अप्रैल 2022 को सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत सैनिक खर्च के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो हमारा रहा है, वो कौन से स्थान पर है? भारत हमारा तीसरे स्थान पर है। पहले पे हमारा यूएसए है, दूसरे पे अगर बात करी जाए तो चीन है, और तीसरे पे अगर बात आती है तो कौन सा है? हमारा भारत है। तो इन्हें याद रखना है आपको, यूएस, चीन और भारत। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, 1 से 15 मई 2022 तक 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ब्राजील। और ब्राजील में जो घास का मैदान मिलता है, वो मैदान अगर देखा जाए, क्या बोला जाता है ब्राजील में, आपका कैंपास। नेक्स्ट है अगला हमारा, चर्चा में रहा ऊर्जा प्रभा नामक जहाज किस बल का जहाज है? तो यानी कि कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड को हम बोलते हैं हिंदी में तट रक्षक। तो भारतीय तट रक्षक बल का ये जहाज है ऊर्जा प्रभा। ऊर्जा प्रभा नामक जहाज किसका है? भारतीय तट रक्षक बल का। नेक्स्ट अगला, 22 अप्रैल 2022 को रक्षा मंत्रालय ने कहां पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन इन्होंने किया है नई दिल्ली में। तो यहाँ पे डेफ मतलब डिफेंस की, एक अगर देखा जाए तो वहां पर डिफेंस, डेफ कनेक्ट मतलब डिफेंस की बात चल रही है। तो ये हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा होगा, और कहां पर होगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है जो मेटावर्स पर होस्ट
वाला देश का पहला आधिकारिक इवेंट बन गया है। तो ये भी हमारा शुरुआत किसने करी है? तेलंगाना ने। आगे आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 अप्रैल 2022 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रभाव फैलाने वाले कितने YouTube चैनलों को ब्लॉक किया है? तो यहाँ पर बात आती है 16 चैनल। 16 में 10 हमारे भारत के हैं और 6 हमारे पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस देश ने ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड जारी किया है? तो चीन का बाइकआउट करने के लिए ये जारी करा है हमारे भारत ने। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रति वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन जो किया जाता है वो हमारा किया जाता है 26 अप्रैल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल। 26 अप्रैल की हमारे यहाँ बात होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति को लोकतंत्र की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इनकरेज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो यहाँ पर जो बात आती है, हमारे यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, तो यूक्रेन की अगर देखा जाए तो जेलेंस्की हैं, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मतलब अपने देश का पूरा कर्तव्य निभाया है। वहां पे वो चाहते तो देश छोड़ के भाग भी सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसी वजह से यूक्रेन में ये जेलेंस्की को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला हमारा, अप्रैल 2022 में विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हो गया, वे किस देश की थी? तो वे कहां की थी? वे जापान की थी। तो इसी वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जापान का। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेले 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इसका जो ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है और इसका आयोजन कहां हो रहा है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के अनुसार कौन वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो पांचवें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए गौतम अडानी, जबकि मुकेश अंबानी आते हैं आठवें नंबर पे, और अगर देखा जाए एलन मस्क है पहले नंबर पे और जेफ बेजोस है दूसरे नंबर पे, और गौतम अडानी हमारे कहां पर आ गए? पांचवें नंबर पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2022 को किसने सर्बिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहां पर बात आती है आंद्रे रोबलेव का, और आंद्रे रोबलेव का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये हुआ था सर्बिया में, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड वहां हुआ था, और वहां अगर देखा जाए इन्होंने किसको हराया? नोवाक जोकोविक को हराया, जो कि कहां के हैं? सर्बिया के ही हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है, और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करी जाए तो रामपुर में, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, और अगर हम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर एक पंचायत पड़ती है पटवाई पंचायत, तो वहां इसका क्या हुआ है? उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो पहले तो विराट कोहली, और दूसरे कौन है हमारे? शिखर धवन, तो ये हमारे शिखर धवन बने हैं। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस देश का ग्वार नजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पर चुना गया है? तो मैक्सिको को चुना गया है, और मैक्सिको और यूएस की सीमा का निर्धारण कौन सी करती है नदी? रियो ग्रांडे नदी। नेक्स्ट है अगला, अप्रैल 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की डील की है? तो 44 अरब डॉलर में अगर देखा जाए एलन मस्क ने किसको खरीद लिया है? ट्विटर को खरीद लिया है। अब जो मालिक हो गए वो किसके हो गए? ट्विटर के, एलन मस्क। नेक्स्ट है अगला, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 की थीम या विषय क्या है? तो इसका जो विषय है वो है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। लॉन्ग लाइफ यानी सबकी उम्र कैसी हो? लंबी हो, तो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट अगला, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये जो बात आती है वो बात आती है हमारी मैक्स वर्स्टैपेन को, तो इन्हें अगर देखा जाए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अगर लॉरियस का पुरस्कार भारत में किसी को मिला है तो वो मिला है एकमात्र खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन का वार्मा मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? तो विश्व व्यापार संगठन का जहां मुख्यालय, और मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, और जिनेवा कहां है आपका? स्विट्जरलैंड में, तो यहीं पर वार्मा जो सम्मेलन होगा वो होगा। नेक्स्ट अगला हमारा, किसान भारतीय प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसानों की बात चलिए तो कौन सा मंत्रालय होगा? किसान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप
2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं कुल 17 पदक। नेक्स्ट है अपना अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो यहां पर बात आती है झारखंड। झारखंड के आप किसी भी जिले में जाएंगे और किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां आपको एक पुस्तकालय जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा की गई है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा असुरगढ़ किले की जो हुई है वो कहां पर है? उड़ीसा में है, और उड़ीसा में भी अगर देखा जाए तो एक जगह पड़ती है कालीहांडी, तो ये जो हमें देखने को मिलेगा उड़ीसा के कालीहांडी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कौन से COVID-19 टीके को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर अगर बात आती है कार्वेक्स की, तो यहाँ पर जो 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे होंगे उन्हें कौन सा लगेगा टीका? कार्वेक्स लगेगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यहाँ बात आती है डेविड एलन बरो की, इन्हें अगर देखा जाए क्या दिया गया, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट हमारा अगला, हाल ही में किस में वर्ल्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो चीन में किया गया है, और ये जो संक्रमण हुआ था ये किससे हुआ था? मुर्गियों से हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यानी कि NASSCOM का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसमें अगर बात आती है कृष्णा रामानुजम को वर्तमान में चेयरमैन नियुक्त किया गया, और रेखा मेमन जो है वो हमारी पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है? तो मालचा महल जो है वो हमारा कहाँ पर है? नई दिल्ली में, और नई दिल्ली सरकार इसका क्या करवाएगी? दोबारा से जीर्णोद्धार करवाएगी। नेक्स्ट है अगला, चर्चा में रही क्वारपन विद्युत योजना किस राज्य में या केंद्र शासित राज्य में स्थित है? तो यह है हमारी जम्मू कश्मीर में, और अगर बात आती है कौन सी नदी पर है? चेनाब नदी पर, और जम्मू कश्मीर में भी अगर देखा जाए किश्तवाड़ जिले में है ये। अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहने वाला परसीवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये जो हमारा संबंधित है वो अमेरिका की नासा से, जक्सा जापान की है, इसरो भारत की है, कॉस्मोस रशिया की है। तो यहाँ पर परसीवरेंस रोवर जो संबंधित है वो किससे? नासा से। नेक्स्ट अगला, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को मिला है, और ये यूनिवर्सिटी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट अगला, 26 अप्रैल से 1 मई 2022 तक बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है मनीला फिलीपींस में, और मनीला फिलीपींस में अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चावल अनुसंधान केंद्र भी है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2022 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 2022 से 2 साल के लिए और बढ़ा दिया, ये कर दिया है दिसंबर 2024 तक के लिए। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 18 से 21 नवंबर 2022 के मध्य 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट 2022 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो हमारा मुंबई में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? मुंबई, मुंबई में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में कौन सा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो दूसरा देश अगर देखा जाए तो पहला जो देश है वो है एल साल्वाडोर, और अब अगर बात आती है यहाँ पर दूसरा, तो दूसरा हमें देखने को मिलता है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, तो ये दूसरा देश हो गया। नेक्स्ट अगला, अप्रैल 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया है? तो कौन सा देश है? यहाँ पर अभी लड़ाई चल रही है रूस और यूक्रेन की, और रूस का सभी बायकॉट कर रहे हैं, तो इसी वजह से जो रूस है वो क्या है, खुद ही हट गया, उसने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो सावा बना है, और सावा अगर देखा जाए ये किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे अनुसूचित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ आर्टिकल 338 की बात होती है और विजय संपाला की बात होती है। विजय संपाला को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और ये दोबारा से नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है अगला, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 29 अप्रैल को। तो 29 अप्रैल को अगर देखा जाए, यूनेस्को ने इसकी शुरुआत करी थी और 29 अप्रैल के दिन करी थी, इसी वजह से 29 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पहला जो बना है आगरा बना है, और आगरा किसको बचाने के लिए बना है? ताजमहल को बचाने के लिए बना है। तो इसी वजह से अगर देखा जाए, ताजमहल के आसपास अगर जितना भी इलाका होगा वो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला होगा, और ये जो है ये कहां पर शुरू हुआ है? आगरा में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है? तो अभी हमारी अटल टनल जो है, अटल टनल को अगर देखा जाए, हमारा कौन सा पुरस्कार मिला है? बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट हमारा अगला, अप्रैल 2022 में IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि से संबंधित अपने पूर्व अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो भारत की जो GDP गिर रही है और उसे अगर देखा जाए, अब इन्होंने कर दिया 8.2%। नेक्स्ट अगला, निम्नलिखित में कौन सी फ्लाइट स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की प्रथम एयरलाइन बन गई है? तो पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? इंडिगो। इंडिगो ने अगर देखा जाए, गगन जो भारत का स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है उसका यूज करेंगे। अब जितने भी एयरपोर्ट हैं भारत के, वो सभी किसका यूज करेंगे? गगन का। नेक्स्ट अगला, 1 मई 2022 को कौन थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार ग्रहण करेंगे? तो यहाँ बात आती है BS राजू से। तो BS राजू अगर देखा जाए, सेना के क्या बनेंगे? उप प्रमुख बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2022 को भारतीय नौसेना एवं किस कमान द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के पोतरोधी संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो भारतीय नौसेना और कौन सी कमान होगी? यहाँ पर हमारी बात होती है अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थल सेना, जल सेना और अगर बात आती है वायुसेना, तीनों के ही हेडक्वार्टर कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना और अंडमान निकोबार ने यहां पर सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है, लास्ट में हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चटगांव पहले तो अगर बात आती है बांग्लादेश में था, अब बांग्लादेश अलग हो गया तो ये बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया, पहले ये भारत का हिस्सा था। और बांग्लादेश में अगर देखा जाए कौन सा बंदरगाह है? चटगांव। तो इसी वजह से यहाँ पर जो चटगांव बंदरगाह है वो हमारा बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश को बोला जाता है आपका नदियों का देश। और श्रीलंका में अगर देखा जाए महाबेली गंगा फेमस है, नेपाल में महाभारत श्रेणी फेमस है, और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में हमारा एक बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह, और पाकिस्तान को अगर देखा जाए क्या बोलते हैं हम? नहरों का देश बोलते हैं। तो ये हमारे सभी जो हमारे पूरे अब तक के करंट थे, तो हमने इसमें सारे ही कवर करे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हमारा बचा नहीं है। तो पिछले पूरे हफ्ते की जितनी भी करंट हमें यहाँ देखने को मिलेगी, तो यहाँ आपके सभी क्वेश्चन का फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखें और अपना जो भी रिवीजन है उसे कर लें आराम से। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बाकी हम हमारा दोबारा नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जो हमारा डेली करंट का होगा। तो इस संडे के दिन हमारी प्लानिंग है वीकली करंट की, तो आपको संडे के दिन मिलेगा वीकली करंट। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू गाइस।